हिंदू संगठनों के आह्वान पर नगर सिरअली पूर्ण बंद रहा। पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार अग्रवाल के 2 दिवस में कार्रवाई के आश्वासन के बाद आंदोलन खत्म हुआ और बाजार खोले गए। सिरअली नगर में पुलिस कार्रवाई को लेकर चल रहे आंदोलन के तहत यदुवंशी और करणी सेना के साथ आधा दर्जन हिंदू संगठनों के आह्वान पर रविवार को साप्ताहिक हाट बाजार होने के बाद भी सिरअली बंद पूर्णतः सफल रहा। सुबह से ही शहर की दुकानें बंद रहीं। वहीं आंदोलन से जुड़े लोगों ने शहर में घूमकर लोगों से बाजार बंद रखने का आग्रह किया, जिसके बाद सिरअली शहर की लगभग सभी दुकानें बंद रहीं। इनमें दूध, मेडिकल और सब्जी बाजार खुले रहे। पुराना बस स्टैंड पर आयोजित धरना और चक्का जाम आंदोलन कुल 33 घंटे बाद पुलिस अधीक्षक के आश्वासन के बाद समाप्त किया गया। रविवार को दिन भर की प्रशासन और पुलिस कार्रवाई के बाद धरना स्थल पर पहुंचे SP मनीष कुमार अग्रवाल, SDM महेश कुमार बम्हन, SDOP उदय भान सह बागरी, तहसीलदार भरत अहिरवार पुलिस दल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने आंदोलन कर रहे हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों का पक्ष जाना, साथ ही की गई कार्रवाई की जानकारी देकर मंगलवार तक आरोपितों पर कार्रवाई और अपहत युवती को खोज निकालने का आश्वासन दिया। SP अग्रवाल ने कहा कि युवती के मिलने पर उनके बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी, जिसके बाद यदुवंश सेना सचिव माया राम यादव ने प्रशासन की कार्रवाई पर भरोसा जताते हुए आंदोलन को आगामी समय तक के लिए स्थगित किया, जिसके बाद चक्का जाम एवं बाजार खोले गए। आगामी आंदोलन के लिए हमने ये निश्चित किया है। अभी SP साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि अगले मंगलवार तक आप बेटी आपको शपथ लगा देंगे। ये मंगलवार जो आने वाला मंगलवार है, 3 दिन का समय दिया है हमने कि 3 दिन में हम बेटी आपको मंगलवार तक आपको शपथ लगा देंगे। और अगर मंगलवार तक अगर बेटी कोई लड़की जो बालिग है वो थाना सिरअली की रिपोर्ट लिखी हुई थी इसकी गुम छुपी की, और संदेह था कि एक व्यक्ति है जो उसको ले गया है, तो उसके आधार पर हमने लगातार जो हमारे प्रयास थे उसके घर के में दबिश देना और उसके परिवार वालों को उससे पूछताछ करना, वो सब